بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں۔ یہ ڈبلنگ بند کر، سادہ چلا۔ ازل تو کلا ہے، ابد تک کلا رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ اسلام دے ارکان نے پانچ، توجہ ہے نا سارے، گوڑے چھوٹے چھڑ دے ہو تو وہاں آ کے تھوڑے تھوڑے اگے ہوئی ہو دیوارا۔ اور بھائی یار ٹیٹو کدھر چلا ہے، میں کدھر چلا، شرارتہ نہیں کرنی ہے پتر، گلا نہیں کرنی۔ اسلام دے ارکان نے پانچ، ارکان دے وچوں پہلا رکن ہے عقیدہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول، کہ میں گواہی دینا لا الہ نہیں، الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، مختار کل نہیں، گنج بخش نہیں، رنج بخش نہیں، لجپال نہیں، غریب نواز نہیں، ڈبیاں تارن والا، تردیاں نو ڈوبن والا نہیں، اولاداں دین والا، دے کے لین والا، رزق عطا کرن والا، کائنات دا نظام چلان والا،
बारिशां दे पान वाला जमीन चो अंगूरियां उगान वाला पहाड़ां दे और दरख्तां दे किले ठोकन वाला इल्लल्ला मगर कल्ला अल्लाह। अगे मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे दा दूसरा जुस है लेकिन कलमे दे दोवें जुस मौजूद ने पूरे कलमे ते अल्लाह ने नुक्ता नहीं पाया। ला नुक्ते तो खाली इला इला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। जिस रब नू अपनी शराकत और मुस्तफा की शराकत च एक नुकता भी गुआरा नहीं बोलिए उन्हों ढाई मन का तीन मन का शरीक किवें गुआरा होएगा बोलिए। ला दी तलवार जिहड़ी है ना उन्हें दुनिया के जिन्ने मबूदा ने बातिला ने लोकां दे इलाह ने लोकां दे दाता ने गौसे आजम ने इस ला दी तलवार ने कयामत तक उन्हां दा सिर कलम कर दिता। हुण कलमे तौहीद जिहड़ा है ये बुनियाद है अमाल अगे ने व तुकीमुस सलात व तूती ज़कात व तसूमु रमज़ान व तुहज्जुल बैत हज बाद चे रोजा बाद चे जकात बाद चे नमाज बाद चे पहले अकीदा है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं अकीदे च शिरक दी अमेजश और मिलावट मौजूद है तो फिर किसी अमल का मुल भी रब की अदालत च नहीं पैना। इवें समझो अगर अकायद च शिरक मौजूद है फिर तहज्जुद पढ़ नमाजा पढ़ रोजे रख ज़कातां दे हज ते हज कर उमरे ते उमरा कर कयामत नूं इक्को ही आवाज आउनी आ आमिलतुन नासिबा तसला नारन हामिया। नासिबा अरबी दे अंदर उस डाची नूं कहा जांदा है जिहड़ी वजन चुक चुक के थक के चूर हो जांदी है। यह भी नमाजा पढ़ पढ़ के नफल पढ़ पढ़ के हज कर करके उमरे कर करके ज़कातां दे दे के दुनिया च नेकियां कर करके थक के चूर हो गए उदे बावजूद जहन्नम दा बालन बन गए। उदी मेन वजह की है कि इन्हां दे अकायद दे अंदर शिरक दी मिलावट मौजूद है क्योंकि कुरान ने कहा इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात ईमान पहले अकीदा पहले नेक अमाल बाद च हुण ईमान किन्नू कहा जांदा है। आम तुसी हुण सुनदे हो भी फलाना बंदा बड़ा ईमानदार है फलाने बंदे दा ईमान बड़ा पक्का है सुनदे हो ना ते ईमान आंदे किन्नू ये भी भला किसे नू पता है भी ईमान किस चीज दा नाम। ईमान तिन्ना चीजां दे मुरक्के और मुजस्मे दा नाम है। उहदे अंदर पहला चीज है इकरार बिल लिसान जबान ना तस्दीक करना पढ़ना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इकरार करना इकरार बिल लिसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जबान ने इकरार कर लिया। दूसरा तस्दीक बिल कलब दिल ना तस्दीक करना जो मैं जबान चो पढ़िया है बिल्कुल हक के साचे पाके ला शक के। तीसरी चीज है अमल बिल जवारे ओए तुसी गल्ला नहीं करनी ये गल्ला करनी है पुत्र इत्थों उठ के पीछे चले जाओ। तीसरी चीज है अमल बिल जवारे नेक अमाल जबान ना इकरार दिल ना तस्दीक फिर नेक अमाल नमाज पढ़नी है रोजा रखना है जकात देनी है हज करना है जो भी ये नेकियां करनी है फिर बंदा बनता है मोमिन। अगर जबान ना इकरार कर लिया दिल ना तस्दीक नहीं की तो बंदा मुनाफिक है। जबान ना इकरार भी कर लिया दिल ना तस्दीक भी कर ली है नमाज नहीं पढ़ता रोजा नहीं रखता जकात नहीं देता तौफीक हज नहीं करता उमरा नहीं करता नेक अमाल नहीं करता ये बंदा फासिक फाजर है। समझ आ रही है मेरी गल दी कि कोई बोलिए। हुण एक बंदा है जिहड़ा जबान ना कलमा भी नहीं पढ़ता तस्दीक भी नहीं करता अमल भी चंगा कोई नहीं है बंदा काफिर है। हुण ईमान लै होया अकीदा पहले मन आमिल सालिहम मिन ज़ाकरिन औ उनसा वहुवा मोमिनुन फ उलाइका यदखुलूनल जन्ना
अल्लाह ने नेक अमल करने वाला मर्द औरत वाह हुआ मोमिन अगे कैद लग गई है वह मोमिन होए उदा अकीदा ठीक होए फउलाइका यदखुलून अल जन्ना फिर कयामत नु इनु जन्नत मिलेगी अगर अमाल है ने अकीदा कोई नहीं फिर भी जन्नत नहीं अगर अकीदा ठीक है अमल को नहीं फिर भी जन्नत मेरा ख्याल कहिंदा तुहानू समझ जरा साजे नहीं लगनी है जदों मेरा योर लगना है ना वाहवा लस्सी पीण वाले लोग समझ तुहानू साजे नहीं लगनी अकीदा तौहीद एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिन्हों अल्लाह अता कर दे अगर अकायद शिरक है तीसरे पारे की आखिरी आयत घर जाके तर्जमे वाला कुरान लैके पढ़ के इन आयतों का तर्जमा फिर सोया जे अल्लाह ने मुशरक मेरी जमीन नू सोने ना भी भर देना मैं मुशरक का सोना भी कबूल नहीं करना अल्लाह ने 18 नबियां दा नाम लैके किया है वलौ अशराकू लहबित अनहुम अगर 18 नबी मेरी जात ना शिरक कर दे मैं इन्हां दी जिंदगी दे आमाल भी तबाहो बर्बाद कर देगा। फिर अल्लाह ने अगे अपने नबी नू मुखातब कीता है ऐ मेरे महबूब मैनू तुहाडे नाल प्यार बड़ा है मुहब्बत बड़ी है अकीदत बड़ी है मुवद्दत बड़ी है थोड़ी हर हरकत नू मैं अपना कुरान बनाया हर अदा नू कुरान दे हरूफ बनाया महबूबा तू नजर उठाए मैं किबला चेंज कर दिया जिस कब्रस्तान च दुआ मंगे मैं उस कब्रस्तान नू जन्नत का टुकड़ा बना दिया जिस जगह ते लेट के आराम करो मैं रोजा तुम मेरे रियाजिल जन्ना उस जगह नू बना दिया जिथे तू आराम कर रहे हैं मैं उस हुजरे नू जन्नत का टुकड़ा बना दिया और क्यामत तक 70,000 फरिश्तियां दी ड्यूटी ला दें कि तुह क्यामत तक इस रौजे दे उत्ते पैगंबर और अबू बकर उमर की कबर ते 70,000 फरिश्ता रोजाना अल्लाह दियां रहमतां लैके नाजल हो रहे हर अदा नू लेकर मेरा कानून और जाबता अपनी जगह ते वे कानून की है ला इन अशरकता ला यहबतन्ना आमालुक ऐ मेरे महबूब अगर तुसी भी मेरी जात ना शिरक करोगे ना मैं थोड़ी जिंदगी के अमाल भी तबाह बर्बाद कर दिया। हुण शिरक जै जिहड़ा गुनाह है ना इहदी माफी अल्लाह ने किसे नबी नू नहीं दित्ती ते सानू दे छड़ेगा बोलो ते सही यार की होया इन्ना अल्लाह ला यगफिरु अन युशराक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा अल्लाह ने सारे गुनाह माफ करांगा हदीसे कुदसी सुनो अल्लाह ने जमीन तो लग के आसमान तक सारा खला गुनावा ना भर दे पर इन्हां गुनावा च शिरक दी मिलावट ना लैके आई मैं शिरक माफ नहीं हूं करना सारे गुनाह माफ कर दिया। हुण शिरक है कि शिरक किन्नू आंदे दमिश्क दी जामिया मस्जिद दे अंदर ना एक मेहमान आया मसला पूछन वास्ते मौली साहब जाके मैं मसला पूछ के आवा भी शिरक किन्नू आंदे ने शिरक दा माना की वो आया मौली साहब नू मिलिया जी मैं बड़ी दूर तो आया ते मैनू मैं शिरक दा माना की है मौली साहब कहन लगे रात रहनी है कि जाना ही आंदा नहीं मैं रात रहनी अच्छा ते फिर जदों फजर दी नमाज मैं पढ़ावांगा ना उदो तेनू मैं इहदा माना दसांगा ते फिर ताकि सारियां नू पता लग जाए भी शिरक किहनू आंदे रात नू उहदी मंजी मौली साहब ने डाह दित्ती बारी दे अगे ते परले पासे मौली साहब दा मकान सी मौली साहब गए घर बीवी नू आंदे ने अल्लाह अलीए को घर आंडे उंडे आए ने देसी उहने कहा की करने एक मेहमान आया बड़ी दूरों ते बड़ा अहम मेहमान है ते एवें पाइया को लैके ना मक्खन ते ओही आटा उहदे विच गुणना है पानी नहीं लाना ते तलवा जिहा रख के परौंठा पकाना है ते नाल कुछ छे कु आंडे बना ले ओ बीवी कहण लगी केड़ा आ गया मौलवियां दे घरों आंडे खाण इहनां दे घरों ते किसे नूं कोई बई लस्सी ना लभे इह कित्थों आया जे तलवे परौंठे खाण ते छे आंडे सुआ रही उन्हें कहा गल ना कर मेहमान है मेहमान नवाजी करना जेड़ा है बड़ा वड्डा अमल है नहीं तो ठीक है नहीं तो दुकाना खुलियां ने मैं लिया देना
उन्हें क्या नहीं है जो रात इसे सिचुएशन च लंघ गई तो जो रात में हुई ना वाह तो वो बार बार पूछे मेहमान आया कितों है मौली साहब ने मेहमान आया भी मेरे को एक रिश्ता है ते कुड़ी बड़ी खूबसूरत है मदरसे की फारग है वफाक उन्हें किया है ते पढ़ी लिखी है ते मैं मौली साहब चाहना थोड़ा निकाह फड़ा दे हूँ मौलवी ने जो अपनी बुढ़ी ने की ना गल ते मौलवी की बीवी ने अद्धी रात नूं फैरां गालां की फैरंग खोल दी विचे ही मेहमान नूं ते विचे ही मेज़बान नूं हूँ अंदर गालां कढ़े तो बारी रा आवाज जिहड़ी सी ना मेहमान नूं आउण डई सी अंदर गालां की फैरंग खुली रात इसे तरह ही लंघ गई गालां गूलां कढ़दे ओह वल वल के आए मैं इस मेहमान नूं पुछनी है इत्थे लैण की आया क्यों आया मौली साहब ने रोकया शो क्या मौली साहब जो तो फिर ठंडी होए ना ए नहीं रिश्ता ही लैके आया कुछ नहीं होया वो फिर गर्म हो जाए सवेरे फजर हुई उन्हें वुजू किया नमाज जमात ना पढ़ी तो जुत्ती फड़ के ना ते निकल पिया मौली साहब आंदे ने ओ भाई मसला ते पहुंच जा आंदा मौलवी जी मसला थोड़ी बुढ़ी ने रात का हल कर छड़िया वो छोटे जे घर की मालक है उन्हू शरीक वारा नहीं खाता तो जेड़ा पूरी कायनात का मालक है उन्हू शरीक किवें वारा खाए गल जी समझ आ रही है जिहड़ा पूरी कायनात का मालक है आ देखो ना मैं अगले दिन कुरान पढ़ रहा सिख जगह तो तर्जमा उदा ये सी कि तुही दुनिया की जमीन दे आरजी मालक हो असी आरजी हाँ भावें दस किले वे भी किले वे एक मरबा दो मर आरजी मालक जो जाना है दुनिया तो होर किसी मालक बन जाना अल्लाह ने तू आरजी मालक है तेरा खादम होए नौकर होए तेरा कोई रिश्तेदार होए वो तेरी जमीन ते कब्जा करे नहीं मेरा मैं भी दो किले मेरे भी ने तेनू बर्दाश्त नहीं तू आरजी मालक हो के अपनी जमीन का वारस ते शरीक किसी नू बनन नहीं देंदा तेनू वारा नहीं खांदा ते मैं पूरी दुनिया का हकीकी वारस हाँ मैनू भी शरीक वारा नहीं खांदा इस वास्ते रब्बुल आलमीन है जिहड़ा ला शरीक है उहदा कोई शरीक नहीं वो ला शरीक मौजूदा मुआशरे के अंदर लोगों ने बड़े बड़े अपने तौर पर ही घड़ ले जो भी घड़ लिया है बहरहाल अल्लाह दीन की समझ अता फरमाए सुन्नत की समझ अता फरमाए फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद ये कुरान की वाहद सूरत है जिदी इब्तदा भी अहद है इंतहा भी अहद है रब शुरू तो कल है आखिर तक कल है और लफ्ज़ अल्लाह दुनिया के अंदर एक वाहद लफ्ज है जिदी तस्निया ते जमा नहीं अरबी ग्रामर के अंदर दुनिया का इको ही लफ्ज है जिदी तस्निया जमा नहीं लफ्ज़ अल्लाह है फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद सोनिया ऐलान कर दियो अल्लाह कल्ला उची बोलो अल्लाह जिन्ना दा कल्ला ओही बोलिया जे अल्लाह कल्ला अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज पुत्रां तो बेनियाज धियां तो बेनियाज सौरे सालियां तो बेनियाज नानके दादकियां तो बेनियाज क्यों रब ने किया है यहूदियां ने किया वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह उज़ैर ते अल्लाह दा बेटा है पूछा गया क्यों आखिया जे हजरत उज़ैर नू अल्लाह ने सौ साल बाद मौत दे अगोश दे विचों दोबारा जिंदा किया फामातहुल्लाहु मियताम अल्लाह ने हजरत उज़ैर नू सौ साल तक मौत दी अगोश रखिया सुम्मा बासहु फिर उठाया काल कम लबिस्ता उज़ैर किन्नी देर ठहरे हो जवाब आया काल लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम मैं एक दिन ते दिन दा कुछ हिस्सा इथे रहा वा हो नबी उज़ैर नु इल्मे गैब नहीं सौ साल लंघे बोलते नहीं ते इथे ते बाबे दियां बिलियां भी इल्मे गैब जानदियां बाबे पिछे रह गए ने बिलियां अगे रहंदियां बाबे दे घर बिल्ली सी जिनी अर म्याऊ कर दी सी उन्हें मेहमान आउंदे सन उन्हें किते अठ अरी म्याऊ कीता मेहमान नौ आ गए मुरीद वल उन्हें क्या बाबा तेरी बिल्ली भुल गई है क्यों की होया इन्हें अठ अरी म्याऊ कीता मेहमान ते नौ आए ने उन्हें क्या नौवां भाभी है साडी बिल्ली भाभियां नूं मनदी नहीं
एक उठदा जी बाबे रा को जिन ने ओ दस देंदे ने तवीद कित्थों कराए ने किन्ने कराए ने किथे घर रखे ने ते जिन्ना नू पता लग जांदा बाबे को जिन ने जो तुसी घरों चल दे ओ दस देंदे ने फलाना बंदा तेरे को आ रहा है। मैं क्या नबी सुलेमान दे जिन्ना नू ते पता नहीं लगा नबी सुलेमान फौत हो गए ने। बोलिए अल्लाहु यालमून अल्गैब। अगर नबी सुलेमान दे जिन इल्मे गैब जान दे हुंदे कदी इन्नी देर अजाब च मुबतला ना हुंदे। लाठी नू कौन लगे ते लाठी डिग पई टुट गई ते नबी सुलेमान भी डिग पे ते जिन भी नस गए। नबी सुलेमान दे जिन्ना नालों बाबे दे जिन तगड़े ने। बोलो इधर पता नहीं बाबे दे जिन्ना नू किवें पता लग गया। इस वास्ते ना कोई नबी ना कोई वली ना कोई जिन कोई भी इल्मे गैब नहीं जानदा। इल्मे गैब अल्लाह दी जात दा खास है। रब दी सिफत नू मखलूक च पाना अल्लाह दी जात ना शिरक है। रजिस्टर्ड वली ने असाबे काफ वाले 309 साल सुते रहे ते 309 साल बाद उठे। पूछया जांदा काल कम लबिस्तुम किन्नी देर ठहरे हो। सारे आंदे ने कालू लबिसना यौमन औ बाज़ यौम। असी ते एक दिन दिन दा कुछ हिस्सा ठहरे हां। यहूदिया ने क्या उज़ैर अल्लाह दा बेटा है। ईसाई कहन लगे साड़ी गल भी सुनो। वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह ईसा भी अल्लाह दा बेटा है। 5 दिसंबर लंघिया ईसाइया ने गिरजे भी सजाए अपने घर भी सजाए गलियां भी सजाइया कपड़े भी नवे पाए। उन्हां दा अकीदा की कि हजरत ईसा साडे च मौजूद ने। उन्हां दा अकीदा की है कि हजरत ईसा हाजर नाजर ने। हजरत ईसा की पैदाइश के दिन नूं कहिंदे ने 5 दिसंबर। हजे 5 दिसंबर नूं हजरत ईसा पैदा नहीं होए। दुनिया की किसी अंजील के अंदर भी नहीं लिखा कि हजरत ईसा जिन्हें 5 दिसंबर नूं पैदा होए। उन्हां दी अंजील च भी नहीं है। झूठ कि आप 5 दिसंबर नूं पैदा होए। हजरत ईसा अली सलाम नु क्या गया ईसा अल्लाह दा बेटा है मरियम अल्लाह दी बीवी है माज अल्लाह। ये बड़ी वड्डी गल है छोटी गल नहीं। कुरान कहिंदा है इस गल दी वजह तो जमीन फट जाए पहाड़ रेजा रेजा हो के डिग पैण आसमान शक हो जाए। इतनी वजनी गल ईसाइया ने। बल्कि ईसाई कट्ठे हो गए ना 5 थी नबी अली सलाम को आए कहन लगे जी नजरान दे ईसाई पादरी कहन लगे जी थोड़ा कलमा पढ़ने शरत एक हजरत ईसा दे बाप दा नाम दसो की फिर कलमा पढ़ लांगे। नबी अली सलाम खामोश हो गए भी ईसा दा बाप ते है को नहीं ना सवाल किवें दा कीता। आ कई बंदे नहीं मौलवी को सवाल दर सवाल दर सवाल आंदे ने मौलवी नूं फसाना है फसदा कीते बेजा सवाल करन तो नबी पाक ने मना फरमाया। आका चुप ने आवाज आउंदी है इन्ना मसल ईसा इंदल्लाही कमसल आदम। मेरे महबूब परेशान ना होवो इन्हां नूं दो टोक कह दियो आदम दा मां ते बाप तुसी पेश कर दियो ईसा दा बाप मैं पेश कर देना वा। कहन लगे जी आदम दा ते मां प्यो ही कोई नहीं। फरमाया जेड़ा रब बगैर मां बाप तो आदम नू पैदा कर सकदा है वो बगैर बाप तो ईसा नू पैदा करन ते कादर नहीं। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आइए मुशरकी ने मक्का उठे फरिश्ते अल्लाह दियां बेटियां ने अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साडे मौजूदा मुआशरे च भी कई साडे भाई ने आंदे ने नबी नूर ही नहीं बल्कि नूर मिन नूर इल्ला अल्लाह दे वजूद विचों वजूद है नूर विचों नूर है माज़ अल्लाह। लकद कवर लजीना कालू
कुरान कह रहे है, कुरान अलहम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलीयुम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। सारियां तारीफां उस अल्लाह वास्ते ने लम यत्ताखिज वलदा जिदी औलाद कोई नहीं, जिदा बेटा भी नहीं बेटी भी नहीं, ओदी बादशाही च शरीक भी कोई नहीं। कुरान कहिंदा बदी उस समावाती वल अरद अन्ना यकूनु लहू वलदुम वलम तकुल लहू साहिबा वखलका कुल शैइन फकद वखलका कुल शैइन वहुवा भी कुल्ली शैइन अलीम। जमीन आसमाना नू नए सिरे तो पैदा करन वाला कौन है? अल्लाह ते अल्लाह कौन है जिदी औलाद कोई नहीं? वलम तकुल लहू साहिबा वो पिंड वाले ओ जिदी बीवी भी कोई नहीं। जेड़ा बीवी दा मोहताज होए मुश्किल कुशा, बोलो बोलो बोलो, जेड़ा बीवी दा मोहताज होए मुश्किल कुशा, जेड़ा औलाद दा मोहताज होए मुश्किल कुशा नहीं हुंदा, जेड़ा बेटियां दा मोहताज होए मुश्किल कुशा नहीं हुंदा, कुनबे कबीले बरादरी दा मोहताज होए मुश्किल कुशा नहीं। क्यों? किते बेटा बीमार हो गया, वो अपनी मुश्किल च फस गया, बीवी बीमार हो गई है, वो बीवी नू अस्पतालां च चुकी फिरदा, लोकी मुश्किल आले मगर मगर मुश्किल कुशा अगे अगे। बोलो, किते बेटी बीमार है, किते कोई खानदान वाला बीमार है। इस वास्ते अल्लाह औलाद तो पाके बीवियां तो पाके कुनबे कबीले तो अल्लाहुस्समद अल्लाह बेनियाज है, पुत्रा तो बेनियाज, तिया तो बेनियाज, बीवी तो बेनियाज, भैन भाइया तो बेनियाज, सौरे सालिया तो बेनियाज, दादके नानकिया तो बेनियाज, कुनबे कबीले बरादरी तो बेनियाज। अल्लाह तू बेनियाज क्यों है? सारे रिश्तिया तो फरमाया लमिया लिदु वलमी यूलद, ना कोई मेरे विचों पैदा होया है, ना मैं किसे विचों पैदा होया वा। अल्लाह 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 लामिया लिद वलमी यूलद, मेरे विचों कोई भी पैदा नहीं होया, ना मैं किसे, ना मैं किसे दा माई बाप, ना कोई मेरा माई बाप है। अल्लाहुस्समद दा माना अगे सुनो, वो किसे दा मोहताज नहीं, पूरी कायनात ओदी मोहताज। अल्लाहुस्समद ओ देंदा लेंदा, बोलो बोलो, ओ खुआंदा खांदा, ओ पिवांदा पींदा, ओ पहनदा नहीं ओ पहनांदा, ओ जागदा सौंदा नहीं ओ सुआंदा खुद सौंदा, ओने मारना खुद मरना। अल्लाहुस्समद अल्लाह बेनियाज, अल्लाह अल्लाह अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद, अगे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लोगों, कोई अली कोई वली कोई पीर कोई नबी कोई मुर्शद कोई गद्दी नशीन कोई साहबजादा सैयदजादा पीरजादा कोई बुजुर्ग, अल्लाह ने मेरा कोई हम पल्ला नहीं, मैं अरश ते कल्लैया। खुदा दी कसम, बड़ा मजा,
ते बाबा शमशान ने कैमरा फिट किया जिवें इन्हां कीते ने तीन उन्हें भी कैमरा फिट किया अपनी वडियाई करें इन्नी अनल्ला आख के दे तसली मोमिना नसरु मिनल्ला आख के ना उम्मीदा आसिया फिर दे दिती उम्मीद अपने फजल थी ला तक ना तू मेर रहमत ला आख के जात तेरी इलम तेरा तू आपे सिफतां कीतिया इब्तदा कुरान थी अलहम्दुलिल्ला आख के इल्मा वाले करन खाहिश कुछ होर भी पढ़ लईए कीता पाबंद सब नू तू इत्ता कुल्ला आख के माल सारे दा मालिक तू ऐ माला वाले भी तेरे करना है अजमैश तू वकरी जुल्ला आख के आसियां दे वास्ते बुआ करम दा खोलिया फिर आपे आवाजा मारिया तू बू इल्ला आख के नहीं गुजारा शमशान दा तौहीद मनन बगैर तू सारे पासे घेर ले कुल हो वल्ला आख के कुल हो वल्ला हो तीन दफा पढ़ोगे पूरे कुरान का ही सवाब जे दस दफा पढ़ोगे आका फरमाते ने जरा दस दफा सूरा इखलास पढ़ता ना कुल हो अल्लाह रोज मैं उन्हें जन्नत के अंदर एक महल की जमानत देना मेरा ख्याल कहता जिन्होंने कुरान नहीं आता उन्होंने कुलहोला आती है बोलते नहीं तो कुलहोला ही पढ़ी जाओ नबी का एक सहाबी है मस्जिद कुबा के अंदर इमाम है अंसारी सहाबी है ये जदों करात करता सूरत फातिहा तो बाद नाल ही कुलहोला पढ़ता फिर कुरान दे विचों कितों होर पढ़ता फिर रुकू करता मुक्तदी कहन लगे यार या तो तू कुल हो अल्लाह पढ़ लिया कर या होर कितों कुरान पढ़ लिया कर तू ते हर रकत नू कुल हो अल्लाह नू हर रकत दा हिस्सा ही बना छड़े है ते पता की आंदा आंदा यार मैं थोड़ी इमामत छड़ देंगा मैं कुल हो अल्लाह नहीं छड़नी नबी अलैहि सलाम मस्जिद कुबा चाहते ने आका दी अदालत च मुकदमा पेश हो जाता है सोनिया महबूबा साडा इमाम है उन्हें ते हर रकत दा कुल हो अल्लाह नू ही सही बना लिया साडा मुतालबा कुल हो अल्लाह ना पढ़िया कर कुरान जदों होर कितों पढ़ना है या ते कुल हो अल्लाह ही पढ़ के रुकू कर लिया कर ये कुल हो अल्लाह भी पढ़ता है कुरान ही तो होर भी कितों पढ़ता है आका फरमाते ने क्यों बई महबूब जी मैनू ए प्यार बड़ा है मैं कुल हो अल्लाह नहीं छड़ सकता इमामत छड़ सकना वा आका फरमाते ने मेरे यारा इस कुल हो अल्लाह की मुहब्बत ही तेनू कयामत नू जन्नत च लै जाएगी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पैगंबर दे नाल ने आका अली सलाम जा रहे ने अगों एक बंदा आ रहा है वह कुल हो अल्लाह गुनगुनांदा आ रहा है हौली हौली पढ़दा आ रहा है ये कुल हो अल्लाह की आवाज मेरे नबी दे कन्ना च पै जाती है आका फरमाते ने वाजा बत वाजा बत वाजा बत अबू हुरैरा फरमाते ने महबूब जी मां वाजा बत वाजब की हो गया फरमाया अबू हुरैरा जड़ा बंदा कोलों दी नंगे है ये कुल हो अल्लाह पढ़ता जा रहा है जन्नत च वड़ता जा रहा है रब नू इहदे नाल प्यार बड़ा है अल्लाह ने कुल हो अल्लाह दे अंदर तौहीद फिस जात तौहीद फिस सिफात बयान की थी सोने कह दियो अल्लाह अल्लाहुल्लज़ी جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم
लहुल मुल्क ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम फतबारक अल्लाहु रब्बुल आलमीन। वल हयो, मेरे वल वेखो, हो वल हयो, ओ जीवे जीवे नित जीवे, हो वल हयो ला इलाहा इल्ला हुआ। फरमाया लोगो ला इलाहा इल्ला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओ जिंदा हुवल हयो ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कल तो वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम दे लफ़्ज़ भी आउंदे ने। ओ लोगो नहीं इलाह मगर ओ कल्ला ही है, ओ अर्श अजीम ते मुस्तवी है, अल्लाह अपने अर्श ते मुस्तवी है। जात दे इतबार ना अर्श ते वे, सुनन ते वेखन दे इतबार ना शारग तो भी नेड़े वे। साडा सुनना महदूद है, अल्लाह का सुनना ला महदूद, साडा वेखना भी महदूद है, उहदा वेखना ला महदूद। जिहड़े लोग आंदे ने ना हर एक च रब रहिंदा है, हर चीज च रब है, ये अकीदा है वहदतुल वजूद है, शिरकिया अकीदा है। अर रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अपने अर्श ते मुस्तवी है, वह किस हालत च इहदा नहीं पता, लेकिन सुनन ते वेखन दे इतबार ना नहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, तेरी शारग तो भी नेड़े। अल्लाह ने काली शाह चटान होए, काली शाह चटान होए, चटान दी थल्ली तैच काली कीड़ी चल दी होए, ते काली रात होए, मैं कालियां रातां च अरशे मुअल्ला तो चलन वाली कीड़ी नू वेना वी आ, ते उहदे कदमां दा खड़ाक भी सुनना वा। इस वास्ते ओ रब्बुल आलमीन ने जिन्हें आसमान दा लेंटर पा छड़िया है, साडी मसीत दा लेंटर पिया है, इधर भी बीन ते इधरों भी बीन। इंजीनियर नू पता है दी लंबाई चौड़ाई किन्नी है, थले दीवारा ने विच दो थम ने। अल्लाह ने जेड़ा मैं लेंटर पाया इहदे थले थम भी कोई नहीं, बीन भी कोई नहीं, ते एक मंजिला नहीं, सत मंजिला लेंटर है। पहली जमीन तो लाके आसमान तक दा वाया 500 साल दा, पहले लेंटर दा मोटापा भी 500 साल दा, पहले लेंटर तो दूजे लेंटर दा दरमियानी वाया 500 साल दा, दूसरे लेंटर तो तीसरा लेंटर भी उहदा मोटापा भी 500 साल दा, दूजे लेंटर तो तीसरे दा दरमियानी वाया भी 500 साल दा। सत मंजिला लेंटर है, मैं थले गाडर भी नहीं पाया, बीन भी नहीं पाया, दीवार भी नहीं बनाई, मैं कोई थम भी नहीं बनाया, बगैर सहारे तो मेरे लेंटर खड़े ने, ते इना कितों डिगना भी नहीं, तेनू घुण भी नहीं लगना। जेडे अवारा हो फिर दे ना, आई है मुश्किल कुशा, मैं मुश्किल कुशा वा। आ बाबे बोल, इनू कहो आ कपड़े का तंबू ही बगैर बास तो खिलार के विखाए, बोल दे रहे की तू कपड़े दा तंबू नहीं बगैर बांस तो खिलार सकदा, जिन्हें एडा वड्डा तंबू तान छड़िया बगैर किसे सारे तो उन्हूं मनदा ही नहीं। अही थले सीलिंग कराने आ, चूने दी विच बल्ब लाने आ, आने मौलवी जी पैसे लग गए ने, लेकिन वेखो कमाल नहीं हो गया। अल्लाह ने नेरी को भरा तो कदी मकान की छत ते लेटिया तो मेरी सीलिंग वाल भी ध्यान करिया करना, मैं भी सीलिंग उत्ते बड़ी प्यारी की, किते 100 वाट का बल्ब, किते 200 वाट का बल्ब। आ चन्न जिहड़ा जमीन की गुलाई के बराबर है, जिनी जमीन है ना गुलाई च, एडा वड्डा चन्न है, तो चन्न नालों 166 गुना बड़ा सूरज है, उहदी कहकशां वेखो कितनी बड़ी, कई सितारे सूरज नालों भी बड़े ने, लेकिन उन्हें बगैर रस्से तो उन्हें टंग छड़े, अपने वक्त ते आ रहे ने जा रहे ने। يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر
कुल्लुं यजरी ले अजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनही मा यमलिकून मिन कितमीर इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउक मिस्लु खबीर या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। अल्लाह ने रातां नूं दिनां च दाखल कौन करदा है? अल्लाह ते दिनां नूं रातां ही दाखल कौन करदा है? कुल अराईतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैल सरमदल इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़ियाइन अफला तस्मऊन। कुल अरअईतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदल इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी अफला तुबसिरून। अगर थानू तर्जमा हुंदा हुंदा तुसीं तड़प ना जांदे। अल्लाह ने क्यामत तक मैं रात पा दिया। क्यामत तक मन इलाह केड़ा इलाह हले आ सारे बाबे कठे करके मन इला केड़ा इलाही जेड़ा मेरी रात नू देनी बना दे। फिर अगे अल्लाह ने कहा अगर क्यामत तक मैं दिन चाड़ दिया केड़ा इलाही जेड़ा मेरे दिन नू रात च बदल दे। लिया एक होर मुकाम याद आया। कुल अराईतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बेही। अल्लाह दिन में तेरी कन्ना दी सुनाई खो लवा तेरी अखा दी बिनाई नू सलब कर लवा तेरे दिल दी तड़कन नू बंद कर दिया मन इला केड़ा इलाही जा लिया सारे इला कट्ठे करके जिहड़ी सुनाई मैं कोई है तेनू वापस ही करा देना। बोल दे नहीं अखां दी बिनाई वापस करा देन कन्ना दी सुनाई वापस करा देन ते दुनिया दे सारे दिलां दे डाक्टर कट्ठे करना हकीम तबीब लिया बाबे भी लिया। अल्लाह ने जेड़ी धड़कन मैं बंद कर छड़ी इन्हां नूं कह चालू ही कर दे। बोलो कन्न बंद हो जाए बंदे ते मुश्किल बनती है कि नहीं? अखां बिनाई टुर जाए मुश्किल बनी है कि नहीं? दिल की धड़कन बंद हो गई है मुश्किल बनी है कि नहीं? ये सारिया मुश्किलों नूं कह ना कोई हल करे मैं ते तेनू मुश्किल च पा दिता है। जिन्हां नूं मुश्किल कुशा कहना मानना उन्हां नूं कह तेरी मुश्किल हल कर। बीबी जुनैरा दियां अखां दे अंदर अबू जाल ने गर्म सलाइयां करके फेर दितियां ते बीबी जुनैरा दियां चीखां निकलियां ते कहिंदियां ने वे मक्के दे काफरो मेरी दुनिया नेर कीती अल्लाह थोड़ी आखरत नेर कर दे ते नाल ही अबू जाल आंदा लै मेरे लात मनात उज़ा हुबल ने तेरी अखां दी बिनाई खो लई आ जिन्हें नारे मारनी है उन्हूं कह बिनाई दे।
बीबी सुनहरा दिया ने अल्लाह तेरी तौहीद दे दुश्मन ने तेरी तौहीद नू ताना मारे है। अल्लाह अगे बिनाई नहीं सी चाहिदी हुण बिनाई चाहिदी है। तू बिनाई ना दित्ती कयामत तक तेरी वहदानियत ते हरफ आ जाएगा। अरशां तो आवाज आउंदी है सुनहरा परेशान ना हो, सुबह दा सूरज बाद च चढ़ेगा, अखां दी बिनाई पहलू दे देंगा। उन्हें दिती है कि नहीं बोल दे नहीं। फिर कौन है मुश्किल कुशा? नबी यूनस फंस गया मुश्किल दे अंदर। ओ मच्छी ले गई समुंदर दिया तैवां दे अंदर, ऐसी जेल दस चक वाले हो जिन्हू बारी भी कोई नहीं, बुआ भी कोई नहीं, जेल ऐसी है कोई जमानती भी नहीं, कोई वकील भी नहीं, कोई जज भी नहीं, कोई मुलाकाती भी नहीं। तू आ मैं या बहावल हक मेरा बेड़ा तक। ते नबी यूनस ने किनु आखिया? नबी यूनस आंदे ने वजनून इज़हब मुगाज़िबन फज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैही फनादा फिज़्ज़ुलुमाती अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानक। अल्लाह मेरे तो नीवा कोई नहीं, तेरे नालो उच्चा कोई नहीं। जिथे फस गया वा इस मुश्किल नू हल करना ते तू ही करना। ला इलादा कोड मिलाया, चालिया दिना च नबी यूनस मच्छी दे पेड़ चो बार आ गए। वेख ला केड़ी केड़ी मुश्किल दा मैं हल पेश करा। एक नबी है एदा ना हजरत ज़करिया अलैहि सलाम आंदे ने अल्लाह 120 साल दी उम्र हो गई है, पुत्र कोई नहीं। ओना नु पुछो जिन्हां दियां औलादां नहीं, ते बीबी मरियम अगे बेमौसमे फल वेखे ने, कमरा भी बंद है, ते आंदे ने मरियम ना ला के हाजा, मरियमे फल कित्थों आए नी? ते मरियम मैं तेरी तौहीद तो ही जग वार दिया। उन्हें नहीं किया के फलाने बुजुर्गां दा फैज है, फलाने पीर ने भेजे ने, नहीं नहीं आंदियां ने कालत हुवा मिन इंदिल्ला। अल्लाह यरज़ुक मन यशाउ बिगैर हिसाब। नबी ज़करिया आंदे ने अल्लाह जे मैं मौसमे फल मरियम नू तू बंद कोठरी च दे सकना, ते मौसम मेरा भी नहीं, अल्लाह 120 साल दी उम्र हो गई है, पुत्र मैनू भी दे सकना? ये मेरा आप दा वाकया है, ये फलस्तीन दे अंदर ही वाकया पेश आया है। फलम्मा दाखला अलैहिल मेहराब, अंदर दाखल हो गए। हुण रब वेखो मनदा किदे ना, चिमटिया ना नहीं, तपलिया ना नहीं, ढोला ना नहीं, सुरंगिया ना नहीं, कुआलिया ना रब नहीं मनदा। अंदर वड़दे ने नमाज नीत लैंदे ने, अरशा तो आवाज आउंदी है मेरे जिबरील, मेरा ज़करिया जे सलाम ना फेरे ते पुत्र यहया दियां खुशखबरियां पहलू ही दे। इत्थे हुण की आंदा लल्ला कुकड़ बोलदे नहीं, हुण की होया जी लल्ला कुकड़? मैं कुकड़ा तो पुत्र मिलते सारे पोल्ट्री फार्म वाले ही लै जाते। जे ना बाबियां दे हथ वस पुत्र धियां होंदियां ना, बाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जमण देनी। साडे कल्ले कारी यकूब दे 30 बाल ने, मैं 28 आना हो, अगले दिन मिले कहण लगे रवायत ठीक कर हुण 30 ने। ये किदियां मर्जियां ने, वह बोलते नहीं। हाँ अल्लाह देन ते आए को उम्र वेंदे,
वेखो ना मुर्दा नूं हुंदे छड़े आ सुमरे माशाल्लाह क्या बात अल्लाह देन ते आए एक ही है अल्लाह देन ते आए ते आ सुमरे दे छड़दा को पूछन वाला है हुण नबी ज़करिया ने अल्लाह पहलू मांग लिया उतो आवाज आई तेन पुत्र दयांगा सैयदं व हुसूरं व नबीयं मिन सवालीन सरदार भी होएगा नबी भी होएगा नेक भी होएगा ते नबी ज़करिया ने जिब्रील किवें दी गल करना पिया अन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्ताल रासु शैबा वाल चिट्टे हो गए नी हड्डियां दी मेक खत्म हो गई है हुण कोई वेले पुत्र लैंदे नी इन्हां कहना बाबा बुढ़े बारे आखर नूं फड़िया है इन्हां गल्लां करनियां ते नाले मेरी बीवी बांझ है मैं बुढ़ा वां ते अगो जिबरील दी तौहीद वेखो कैसी है जिबरील आंदे ने काला कज़ालिक अल्लाह यफअलु मा यशा पता मैनू भी कोई नहीं उहने किवें देना है देण वाला जाने ते लैण वाला जाने उतो आवाज आउंदी है ज़करिया जदों तू जवानी च चाहना सै पुत्र मिल जाए उदों मैं नहीं सा चाहता हुण तू नहीं चाहता मैं चाहना तू चाह ना चाह मैं रब चू चाहना मैं दसना चाहना ना देवा ते जवानी च ना देवा देन ते आवा ते 120 साल दी उम्र च दे छड्डा नाले ए भी दसना जो नबी चाहे ओ नहीं हुंदा जो रब चाहे ओ हुंदा जो अल्लाह तो रसूल चाहे बोल देने जे अल्लाह दे रसूल चाहते सन फिर 17 दिन वही क्यों नहीं आई आप तो चाहते सन वही आए क्यों नहीं आई रब ने आसमान तो फिर जबरील नूं भेजिया मेरे महबूब इल्ला अय्यशा अल्लाह जदों भी वादा करो ना तो आप ही आने कल आया जे दसांगा कल आया ही दसांगा इंशाअल्लाह नहीं तुहां क्या तुहां सानू भी जो काढ़ी छड़ी है जदों भी वादा करना है इंशाअल्लाह कहना है अगर अल्लाह ने चाया सोनिया तू जाए ओ नहीं हुंदा जो रब चाहे ओ हुंदा है सूरत अल आराफ की आयत नंबर गालबन 188 है फरमाया कुल्ला अमली कुल नफसी नफ़अ वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह सोनिया कह दियो मैं अपनी जान दे नफे नुकसान दा मालक नहीं मगर जो अल्लाह चाहे जिथे जिथे लफ्ज़े कुल आया ना उलामा कुरान काट के कुल सारे कट्ठे करो उन्हां कुलां दे विचों मसलक अहले हदीस दी हकानियत दी आवाज आएगी सारे कुल कुरान दे कठे करो कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल्गैब वला आलमुल्गैब मैं इल्मे गैब भी नहीं जानता मेरे को अल्लाह दे खजाने भी नहीं ते सोनिया कह दियो मैं फरिश्ता भी नहीं वला अकूलु लकुम इन्नी मलकुन कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम इत्थे भी हकानियत मसलक अहले हदीस दी है कुल सुबहान रब्बी हल कुन तो इल्ला बशर रसूला अल्लाह 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 मेरे भाई मैं दसना है चाहना मुश्किलां जिन्हों भी बनिया ने उन्हें किदे कोलो हल करवाइया ने ओए बेवकूफा कौन सुन दई दोहाइयां तेरियां रब बिन कौन कर दई मुश्किल कुशाइयां तेरियां ओए बेवकूफा कौन सुन दई दोहाइयां तेरियां रब बिन कौन कर दई मुश्किल कुशाइयां तेरियां जदों मेरे अली नू मुश्किल पई ते हल किन्ने कीती बोलो ये आंदा मुश्किल कुशा अली हाजत रवा अली मुख्तारे कुल अली
मैदान खंदक दा या खंदक दा मौके है या किला फता नहीं हो रहा, मेरे नबी ने अपनी चादर हजरत अली नू दिती है, तलवार दिती है, ते आप सजदे च डिग पैंदे ने। आंदे ने अल्लाह अज लाजा रखनिया ने ते तू ही रखनिया ने। मैदान बदर दा उदो भी मेरे आका सजदे च डिगे ने, दुआ करी जा रहे ने। हजरत अबू बकर खैमे दे दरवाजे अगे खड़े ने, ते जदों मेरे पैगंबर दे कंधियां तो चादर डिग पई, हजरत अबू बकर आंदे ने महबूब जी बस कर दियो, अल्लाह ने थवाड़ी दुआ नू कबूल कर लिया है। निशान लाए सन सहाबा ने, उन्ना उन्ना जगह ते काफर मरे। ओ मेरे भाई, मुश्किलां ते पैंदियां रहिंदियां ने। मैनू कुरान पाक दा एक होर मुकाम याद आया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते मुश्किल आई है, ते फिर वेख लै उधरों चीखा जल रही है। इन्हें नमरूद ने मंजनीख दे अंदर बिठाया, जिन्हों अजकल दे अंदर करेन किया जाता है, बिठाया ते जबान चो अल्फाज की ने, हसबुनल्लाह व निमल वकील। अपनी जबान तो नाल आंदे ने, अल्लाहुम्मा अंतल वाहिदु फिस्समा व अनल वाहिदु फिल अर्द। अल्लाह तू आसमान ते कल्ला, तेरा खलील जमीन ते कल्ला। ते आवाज आउंदी है, कुल्ला या नारु कुनी बरदं असलामन अला इब्राहीम। नी अगे मेरे खलील ते ठंडी हो जा, उन्हें हसबुन अल्लाह के है के अल्लाह मिनू काफी है। फरमाया इन्नी भी ठंडी ना हो जाई, मेरे खलील नू ठंडी ना लग जाए। एक निकी जी चिड़ी है, चुंजा च पानी लिया लिया के चीखा ते पा रही है। एक तोता परा बैठा है, पता है ना तोतियां दा, बोलो दे सही। जिदी अख खराब होए हरी पट्टी बंद है, जिदा दिमाग खराब होए हरी पग बंद। ने तोता की आंदा, तोता हस के चिड़ी नू कहन लगा, नी चिड़िए की ए खेखन जगा रही है, मैं देख रहा वा आमदी जामदी नू, कदी आ रही है कदी जा रही है। ये बलदियां लाटा दस किवें बुझावेंगी, बूंद बूंद पानी तू पा रही है। होके पगलिए जात दी घोड़ किरली, जफे नाल छतीरां दे पा रही है। चिड़ी आखिया तोतिया अकल दिया अन्या वे, मैं कोई बलदी चीखा बुझा रही हां, ओदा कम मेनार गुलजार करना, मैं ते यार दी यारी नभा रही हां। ओदा कम मेनार गुलजार करना, मैं ते यार दी यारी नभा रही हां। वे तोतिया तेरे वांग जब लट नहीं मैं, वे तोतिया तेरे वांग खच नहीं मैं, वे तोतिया तेरे वांग चवल नहीं मैं ते कर अपना फर्ज अदा रही हां। इब्राहिम दे दर्दियां विच उल्फत नावा अपना मैं लखा रही हां। इस वास्ते दुनिया दिया मुश्किलां हल कौन करदा है, बोलो बोलो अल्लाह। कल्ला उची बोलो अल्लाह, फिर बोलो अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने मैनू छड़ के जिन्हां नू पूजदे हो, जिन्हां दियां कबरां दा तवाफ करदे हो, कबरां नू गुसल देंदे हो,
कब्रां ते जाके भंडारे तकसीम कर दे हो, अल्लाह अल्लाह कब्रां ते बकरे छतरे दें दे हो, मा यमलिकू नमिन कितमीर, खजूर दी गिटक दे अंदर एक पतला जिहा धागा हुंदा है ते गिटक दे उत्ते पतली जिही झिल्ली हुंदी है, अल्लाह ने मिन्नू छड के जिन्ना को मंगना है धागे ते छिलके दे वी मालक नहीं। इन्हां तेरियां मुश्किलां किवें हल करन। एक होर मुकाम याद आया, कुल अरअईतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्ज़, अल्लाह ने मैनू छड़ के जिन्ना को मंगना है मैनू वखा ते सही, इन्हां मेरी जमीन ते बनाया की है। एक होर जगह तो कुरान याद आया, वत्तखज़ू मिन दूनही आलिहत अल्लाह यखलकून शैया वहुम युखलकून, और मिन्नू छड़ के गैरा कोलो मंगण वाले इन्हां कोई चीज भी पैदा नहीं कीती क्योंकि खुद पैदा कीते गए ने। जेड़ा पैदा होए वो खालक हुंदा नहीं, जेड़ा खाली के मखलूक नहीं, जेड़ा आबी दे मबूद, जेड़ा साजे दे मस्जूद, जेड़ा फानी है मौजूद, ते जेड़ा दाता है उदी कबर नहीं, जिदी कबर है वो दाता नहीं। दाता दा माना की हुंदा देन वाला, किथे देन वाला, किथे उची बोलो उत्ते लैण वाले थले, ते कईयां ने देन वाला थले लम्मा पाया लैण वाले उत्ते चढ़े ने, कौम दी मत नहीं मारी देने वाला ते उत्ते फबदे ते ओदे कोलो मंगया कर, मंगतियां कोलो ना मंगया कर, जिने आप खादा मंग के उन्हें मंगता मारे टांग के बोल दे नहीं, इन्ना तेनु की देने ही मंगतियां ने, ये ते आप मांगत ने, अल्लाह कोलो होर मंग होर मंग होर तो न मंग, कमजोर अकल वाले आ कमजोर तो न मंग, मंगन वाला वेखो यारो सारा जग जे अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे, ओए टू थ्री फाइव किसे फोर तो न मंग, अल्लाह कोलो होर मंग, एवे ना मंगया कर, ते अपना दिफा नहीं कर सकते, एवे ही मंगी जाना, कदी अपने बदन ते गौर कर, अल्लाह ने तेरे जिस्म ते हर चीज डबल लाई है, अखां दो कन दो हाथ पैर दो ने, लेकिन सिर एक ही लाया, अल्लाह सर क्यों एक है, फरमाया तेरा सर भी एक है, जुबान वास्ते मेरा दर भी एक है, एक सर एक दर ते झुकदा सोना लगदा, एक सर दर दर ते झुकदा, जेड़ा दर दर ते झुके ओ सर सर नहीं, जेड़ा सारे ओ इको दर ते ही झुकदा है, इस वास्ते ये अल्लाह ने बनाया ओदे सामने झुकाया कर। दुनिया च एक नमाज ऐसी है जिदे अंदर रुकू सजदा नहीं, ओ केड़ी है, ओ जनाजे दी नमाज है, रुकू क्यों नहीं करदे अगे मैयत, मैयत नबी दी होए, सियाबी दी होए, बाबे बुल्ले शाह दी होए, बाबे फरीद दी होए, अली हजवेरी दी होए, सुल्तान बाहु दी होए, पीर अब्दुल कादर जिलानी दी होए, और दस चक वाले हो, जदो मैयत चार फुट ताए उदो रुकू सजदा नहीं, जदो चार फुट ठाए फिर रुकू ते सजदा क्यों है, बोलो वो समझ भी आउंडे जी कि अगली भी जान दे। मज अगे पठे पाने, मज खुरली च सिर रख के पठे खांदी ता चुके नहीं खांदी, गदा पठे खांदा खुरली च सिर रख के खांदा, घोड़ा पठे खांदा बकरा पठे खांदा खुरली च सिर रख के खांदा, आ ना आगे चल मज पठे खांदी है खुरली च सिर सुट के खांदी है, गां पठे खांदी है खुरली च सिर रख के खांदी है, छाबे च रोटी पै के तेरे अगे आई तेनू रब ने नहीं क्या छाबे च मूह रख के रोटी खा, या किसे मौलवी नू क्या होए पे खीर आली परात च मूह रख के खीर खा, बोलो
आखे अल्लाह देने चमचे ना मौलवी खीर जड़ी है प्लेट च पा ते चमचा ला के चमचे ना खा रोटी चंगेर जाइए रोटी दे उत्ते नहीं मुंह रखना ऐ तेनू दो तीन फुट दे हाथ दिते ने हाथ ना तोड़ के रोटी मुंह च पा रोटी अगे सिर ना झुका रिजक अगे सिर ना झुका रजाक अगे झुका जेड़ा रिजक देन दे है कौन देंदा रिजक अल्लाह फिर अब्दुल्ला कोलो ना मंग अल्लाह कोलो मंग अब्दुल रजाक कोलो ना मंग रजाक कोलो मंग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल इंसान ते हैवान ओदा खाके पल दे हवावां च ने उड दे जमीन ते ने चल दे पानियां दे विच मखलूक वसदी बिना हत्था पैरां मच्छी तेज नसदी कछू डड्डू केकड़े वी नहरी वसदे पानी विच खेल दे ते पैरी नसदे पानी दे वसींदे वखो वख शकलां गिनती तो बार दंग रहन अकलां गोहा सप सानिया जमीन लभ लई खुडा चिरे हाशी तस्कीन लभ लई खुडा च कमांदे कितों खांदे पींदे ने अल्लाह जाने की दा सुखा नाल जींदे ने सुनो एक होर वी मिसाल सुनियो दसा अल्लाह पाक दा कमाल सुनियो लकड़ा च घुन ते सयूंग पल दी केड़ी जात उथे दाना पानी गल दी मास खाने शेर बगियार फिर दे बेशमार बारले ने वग छेड़ दे हाथी रिच बंदर अवारा वेख लो किवें हुंदा इन्हां दा गुजारा वेख लो लूंबड़ा ते सिया नहीं जे पाइया कोठियां ओ भी नित खांदे यार रज रोटियां कौन देंदा इस वास्ते रब्बुल आलमीन कुल हो वल्लाह सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाईए सांझी होर शरीक नसानी काईए मुर्गी दे विच आंडा ना रोशन दान उसदा रोजी पे देंदा इक नगरान उसदा कीती डाई फिट ते रखिया सचाए बाहर निकले चू चू करदा बचाए बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा ए आ गया दुश्मन मानू दसदा ए सज्जल दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई ए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई ए देखिया जी आंडा कदी के नहीं वो बोलो जिसे आंडे वो बोलो आंडे च किनिया चीजा ने दो एक सफेदी ते एक अलग ने मिक्स अलग आंडा लोड करने हिलिया लाया हिलिया हाथ च फड़ के छापर आंदा हिलांदे रहे उतो आवाज आउंदी इन्ना हिलांदा रहे पर मैं दी सफेदी ते जर्दी नू आपस च मिक्स नहीं होण दिता जिदी मिक्स हो जाए आंडा गंदा हुंदा किन्ने सुणदे हो टोकरी च गंदी रूड़ी ते उतो आवाज आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना नहीं ते तेनू भी गंदा आंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगे फिर यही आंडा देसी जेड़ा हुंदा किथे मुर्गी थले फार्मी नहीं फार्मी दो साल भी रख छड़ो ये जो कुछ नहीं निकलता क्योंकि चालिया दिन ही तैयार जेड़ा मौलवी खा ले वीह दिन ही तैयार की ना भाई अदनान ने सानू खवाया देसी मुर्गा तौहीद एवें बयान नहीं हो रही नहीं तो उमूमन फार्मी खुआ गया ने तौहीद बयान कर रहा जी मैं फार्मी तो तौहीद का की जोड़ भाई यदा तो मां प्यो ही को नहीं बेन खाया जे है देसी आंडा मुर्गी थले रख लिया तो आंडे की सफेदी का चूजा बनता है तो जर्दी नू अल्लाह आंडे के अंदर उस चूजे की खुराक बना देगा फिर अल्लाह ने चल भी चूचिया हूँ बहार आंदा बुआ को नहीं बारी को नहीं छैनी को नहीं थौड़ा को नहीं आवा कि अल्लाह ने निकी छैनी दी इन अंदरों मार अंदरों मारदा छिलड़ टुट गई चूजा बहार आ गया ये हम दस चक दे के प्राइमरी स्कूल च नहीं पढ़िया
मां ना चुगन डिया कुत्ते नू वेंदा भज के मां दे परां च लुक जांदा बिल्ले नू वेंदा भज के मां दे परां च रब नू छड के गैरा नू मुश्किल कुशा कहने वालो सुनो केड़ी जात जिन्हें आंडे दी सफेदी जर्दी नू मिक्स नहीं होन दिता कौन है जिन्हें सफेदी का चूजा बना के जर्दी नू खुराक बनाया कौन है जिन्हें ठूंगे मारनिया जाचा दसिया ने केड़ी जात है जिन्हें नू सज्जन दुश्मन दी तमीज दिती है कौन है कुल हो वल्लाह अहद अल्लाह समद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़ दाए बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़ दाए पिशा मार खाती वेख उकात अपनी नौ महीने वाली लम्मी रात अपनी पानी दा एक कतरा बस गल समझाइए सारी दुनिया अल्लाह वलकद खलकना लिंसान मिन सुलालति मिन तीन सुम्मा जलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन सुम्मा खलकना नुतफत अलकतन फखलकना अलकत मुजगतन फखलकना मुजगत इजामन फकसौना इजाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खलकन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन अगे जटकी गल भी होर हो जाए चल हुण जरा वेख मजां गावां नू गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नू खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने काले थणां विचों निकलियां चिटियां धारां ने मक्खन दुध मलाइया बंदिया रजनाए जदों बुलाए मालिक कंड कर भजनाए ओ गनी असी मंगते सारे शक नकाईए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई भाई थले कट्टा छड़िया उन्हें दो मुंह मारे मज ने पूरा दुध हवा ने जलाया किदे वास्ते इंसान वास नहीं कटे वास तू ही माजे दा थण पाओ हां मुंह च चुंगो हां किन्ना कु लांदी है तजर्बा करना चाहिए की तू ही जिन्ना जर मर्जी चुंगदे रहो ने नहीं लाना कट्टा जब तक मुंह च नहीं पाएगा जे वास लाया उन थण नाल खिच के लाया खिच के उस तरह तो थण छड़ दे ही मुंह तो फड़ के नु खिचया जाके माजे दे अगे बने मज उन्हें चुमदी है चटदी है नालियां दी पुत्र चुप कर साढ़े ना एवं ही होनी आ फड़ी सू बाल्टी थले बह गया उन्हें आने पर ताके वेख्या मेरा काला तो मेरे अगे बजा चिट्टा कितों बह गया इन्हें थन फड़िया मारी धार सीधी ओहदे मुंह ते उन्हें मुंह पर कर लिया उतो आवाज आई थोड़े मां पुत्रा ने होई ज्यादती है पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत भी नहीं हिलानी हुण हवाना धोण लग्या अल्लाह ने फिर वेख मेरी रबूबीयत हवाना दुध ना फुल प्रेशर बड़ा थले मैं चार बोतल फिट कीतियां ने उन्हें बोतलों का मुंह भी ठा है उन्होंने थले ढक्कन भी मैं कोनी लाया तो पर मेरी रबूबीयत वेख मैं कभी एक कतरा भी जमीन से डिगण नहीं हो दिता हूँ लगा चोन उतो कैमरा फिट है जिमें फिट ने उतो भी मिम्बई ने फरसिम वादा मिल्ला बनन खालिसन शाय गली शारबीन और बंदे वेख लिते गोबर की नाली पेशाब की नाली खून दियां नालियां दरम्यान च दुध की नाली मेरी रबूबीयत वेख मैं कदी दुध च गोबर मिक्स नहीं होन दिता कदी मैं पेशाब की छिट मिक्स नहीं होन दिती कदी मैं खून का कतरा मिक्स नहीं होन दिता लबनन खालिसन खालस मैं देना तस्बीलां गैरुल्ला दे नां दियां लान दियां खालिस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पका के वंडन दियां ते दुध ओही खालस है जिहड़ा मज दे थणा चो डायरैक्ट निकले
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸ ਚੱਕ ਦੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ, ਡੀਓ ਮਰਿੰਡਾ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹੀ ਖਾਲਸ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਦੀਨ ਉਹੀ ਖਾਲਸ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਧਾਰਾਂ ਬੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਥਿੰਦਾ ਏ। ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ, ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪਰਿੰਦਾ ਏ। ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ, ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਵਲਾਕੁਮ ਤਕੀਨ ਵਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਅਲਾ ਇਬਾਦਿ ਮੁਸਲਿਮ। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذه بالباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما، اللہ میرے مائی باپ دیاں قبراں نوں جنت دے بغیچے بنا، اللہ میرے مائی باپ اور چاچو دی قبر نوں جنت دا بغیچہ بنا، اللہ میری اہلیہ دی قبر تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما، میرے بھائی عبدالحفیظ شہباز دیاں قبراں نوں جنت دے بغیچے بنا، اللہ جنہاں جنہاں دے والدین فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما، ساڈے بھائی عدنان صاحب انہاں بھائیاں دا انتظام و اہتمام کرنا، علماء دا کھانا پکانا اللہ قبول فرما، اللهم بارك لنا فيما رزقتهم وموالهم واولادهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم اكثر ماله وولده واتل عمره واغفر ذنبه وادخله الجنه، میرے اللہ ساڈے بھائی عدنان دے رزق مال جان چ اللہ برکات نازل فرما، جو انہاں دے بھائی بار نے اللہ انہاں دی غیب دے خزانے چ وافر مقدار چ رزق عطا فرما، جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما، اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله